दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आज इस प्रोग्राम में हमारे सब बहन भाई जुड़ रहे हैं, सबका स्वागत है। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, मैं तो सुबह भी सुनती हूँ आपको, और 8 बजे 10 बजे भी सुनती हूँ। मैंने अपना चैनल लगवा लिया, और आप तो भाई साहब क्या पूछते हो, बस कितनी दुआ कर देते हो और कितने रो लेते हो भाई साहब। हमें भी दुख होता है, आप अरे भगवान। औरतें तो बदनाम हैं, उनसे ज्यादा तो मैं रोना धोना करता हूँ। नहीं भाई साहब, कोई बदनाम नहीं होते, और अपना दुख हर कोई बांट नहीं सकता, सब छुपाना चाहते हैं कि मैं अपना हंसना दिखा दूं, रोना नहीं दिखाऊं। इतना दिल किसी में नहीं होता। भगवान का ये बंदा होता है तो भगवान के करीब भी करती, जो अपने आंसू दूसरे को दिखा सकता है, दम होना चाहिए उसमें। और हमारी और बहन मैं का क्या सवाल है? और सवाल ये है भाई साहब, मैंने ना अदरक लहसुन और जीरा का चटनी बना के, और उसमें नमक जो सिरका डाल के रोटी के साथ खा लेते हैं, जो भी पी लेते हैं अदरक लहसुन का, तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? अरे गजब की चटनी! देखो हमारे घर में तो चटनियाँ यूज़ होती है, उसमें अदरक लहसुन और जीरा खूब रहता है। बाकी फिर अपनी मर्जी से टमाटर डालो, मिर्च डालो, ये डालो, जो भी डाल सकते हो, स्वाद वाली अपनी चीज़ें। लेकिन दवा वाली चीज़ें ये रखती है, बहुत गजब का नुस्खा है। और देखो आप तो हमारी बहन हो, एक परिवार हो गया। दरअसल चैनल्स पे हमारा एक परिवार बन गया, जो कभी मिले नहीं लेकिन ऐसे जुड़ गए कि मैं जो भी कुछ शेयर करता हूँ इसलिए नहीं कि इससे कोई और वजह हो, लेकिन मैं हौसला देने के लिए करता हूँ कि जब मुझ जैसे आदमी को इतनी तकलीफें आ सकती हैं, जिसको जिसको आप सम्मान देते हैं, तो आपको भी आ सकती हैं। मुकाबला करो, कोई भी तकलीफ़ आए, जब तक हम जीवित रहेंगे तकलीफें आती रहेंगी। सबसे बड़ी तकलीफ होती है रोटी की, अगर भगवान वो आसान कर दे, समझ लीजिए फिर आप पूरी दुनिया से मुकाबला कर सकते हो। फिर अगर भगवान को राजी करने की सलाहियत है, भगवान राजी ऐसे ही नहीं होता है, भगवान राजी होता है अच्छे कर्मों से। आप किसी की मदद कर दो, किसी की सहायता कर दो और उससे उसका श्रेय ना मांगो, बस करके भूल जाओ। नेकी कर कुएं में डाल वाली बात बता रहा हूँ। तो अगर ये किसी ने शुरू कर दिया तो कब देगा ये भगवान की मर्जी है, लेकिन भगवान की को राजी करने के लिए किसी ने जो भी काम किया, चाहे वो कोई भी हो, इसमें ये नहीं है कि मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, भगवान तो एक ही है। हम सब अलग अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, लेकिन भगवान सबका एक है, ये बात बिल्कुल तयशुदा है। दो तो हो ही नहीं सकते। तो वो भगवान एक है, वो मुझे भी खिलाता है, आपको भी खिलाता है, लेकिन जिसको कुछ तंगी है भगवान के नाम पे उसकी मदद कर दो। आप देखो क्या आपके ऊपर रिस्क की बारिश कर देगा, जैसे उसने मेरे ऊपर की, जैसे मुझसे पहले लोगों पर या मेरे से बाद के लोगों पर करेगा। लेकिन उसमें नियत साफ होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, चालाकी नहीं। भगवान के सामने चालाकी कुछ नहीं चलती। जैसे आप लोग हैं, शायद मैं भी आप जैसा ही हूँ, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ। बस आप लोग जुड़ गए, बस मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो दयावती जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहिए, और ऐसे ही हकीम साहब के नुस्खों में से और भी अपने अपने नुस्खे आप निकालते रहिए, और हकीम साहब से पूछिए क्या वो सही हैं या नहीं हैं। वैसे तो मैम आपके प्रश्न इतने अच्छे होते हैं, इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि जो नुस्खे हकीम साहब बताते हैं उनमें से बहुत सारे नुस्खे आपने भी एड ऑन कर दिए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगली कॉलर है महाराष्ट्र से, सुल्ताना जी, स्वागत है आपका। हाँ, आदाब मैम। जी आदाब, बताइए सवाल। हकीम साहब को सलाम मेरा। सलाम, स्वागत है आपका। हकीम साहब, रोज आप हमारे घर पे तो आते हैं लेकिन आपसे बात ही नहीं हो पाती। आपसे जो
मैं जो अभी आपसे जो देखती हूँ चैनल, तो मैं सब दवा का इस्तेमाल करती हूँ। मेरा दो सवाल है। मेरा बेटा है, उसको ना बचपन से दमा है। वो जैसे पहले खेल के आता था तो कुत्ते कैसे हाँपते वैसा हाँपता था वो, लेकिन मेरे को ऐसा समझा नहीं कि उसको दमा है। अब वो बड़ा हो गया, लेकिन अभी इसको बार बार ना बुखार आ जाता, और डॉक्टरी दवा बोली हमने करे लेकिन कुछ फर्क नहीं होता। अब वो मैं आप जो बताते दवा, पीपले, अलसी और सफिस्तान, उन्ना, ये हमने दवा बनाए उसको खिलाए, उससे आराम होता। दवा बंद हो गई तो फिर वैसे ही तकलीफ होती। फिर अभी हमने माजन आर केयर मंगाया आपकी कंपनी से, और उसके साथ एक कैप्सूल भी मंगाए। वो कौन सा कैप्सूल है, कौन सा प्लस है वो कैप्सूल का नाम? और मोरिंगा का गोंद, मेरी लड़की का दूसरा सवाल है। मेरी लड़की को है ना बार बार छींक आती है और बुखार आ जाता है, और उसके बाल भी बहुत झड़ रहते हैं, तो हमने उसके लिए मोरिंगा का गोंद मंगाया आपकी कंपनी से। तो ये जो दवा बताते आप, जो की दमा की बीमारी की दवा बताते, उसमें और कुछ मिलाना चाहिए क्या? ठीक, हाँ देखिए, आपने कहा रोज आते हैं आपके घर पे, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है और फ़ोन नहीं मिल पाता है, अक्सर हज़ारों लाखों फ़ोन आते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए तो नुस्खा आप सही ले रहे हैं, और यही नुस्खा जो बच्चे को दे रहे हैं वही नुस्खा बच्ची को भी दीजिए। अभी गौन मोरिंगा मत दीजिए, गौन मोरिंगा देना 3 महीने बाद उसको, क्योंकि गौन मोरिंगा थोड़ा ठंडा होता है, और पहले उसका ये बुखार, ये एलर्जी, ये छींके जब तक बंद ना हो जाए। और बच्चों को ख़ास तौर पर तंबीह करें, हिदायत करें कि खट्टी चीज़ ना खाएं। बम्बई में ज़्यादातर लोग बाहर का खाना खाते हैं, कुछ दिन घर का खाना खिलाइए और लगातार 5-6 महीने इलाज करें, तो हो सकता है बच्ची को गौन मोरिंगा की भी ज़रूरत ही ना पड़े। यही बच्चे वाला नुस्खा उसको भी इस्तेमाल कराइए, और गर्म पानी से कराएं। ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें तो जल्दी फ़ायदा होगा, नहीं बंद करेंगे तो देर लग सकती है। मेरी दुआ है आपके दोनों बच्चे अच्छे हो जाएं। जी हकीम साहब, आप बालों के लिए तो गौन मोरिंगा बताते ही हैं, लेकिन शौकीन होते हैं लोग ऑयल के, ऑयलिंग करते हैं बालों को अच्छे करने के लिए, उन्हें निखारने के लिए, तो क्या यूनानी में आपके अनुभव से निकला हुआ कोई ऐसा हेयर ऑयल है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बनाते भी हैं 1-2 तेल हम लोग। जी, 2 तेल बनाते हैं, 2 शैम्पू भी बनाते हैं, और काफ़ी इनकी डिमांड रहती है। और लेकिन अगर बाहर से प्रॉब्लम है तो बाहर का इलाज करना पड़ेगा, बाहरी इलाज करें। अंदर का प्रॉब्लम है तो अंदर से इलाज करें, और बहुत अच्छे इलाज हैं सबके साथ। बालों की प्रॉब्लम हो या खांसी की प्रॉब्लम हो, सबके साथ होती है। एक तो मौसम में की वजह से होती है, जैसे मैं भी बार बार थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, पानी पी लिया मैंने, ऐसा हो रहा मौसम की वजह से, तो ये तो आज हुआ कल ख़त्म। लेकिन अगर मुस्तकिल छींके, खांसी, बलगम है तो इम्यूनिटी की कमी है, फिर आप उसे बढ़ा लें। उसके लिए माजून आर केयर आप ले रहे हैं, दोनों बच्चों को दीजिए। इम्यूनिटी आ गई तो फिर बीमारी आपका कुछ नहीं कर सकती, ये इम्यूनिटी की दवा है जो आप इस्तेमाल करते हैं। जी, दिल्ली से हैं अनिल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते डॉक्टर साहब। जय हिंद अनिल जी, स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना पेट में दर्द रहता था और सूजन भी थी हल्की हल्की, और काफी दिक्कत थी मेरे पेट में, तो मैंने आपसे बात की थी फोन पे, आपने मेरे को कलौंजी का सिरका बताया था। तो मैंने वो सिरका मंगवाया है, वो आ गया मेरे पास, उसको कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं ये बता दीजिए प्लीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कलौंजी का सिरका 1 या 2 चम्मच पीना चाहिए, अपने सब्जी या सालन में मिलाकर या पानी में मिलाकर खाने के बाद लेना बेहतर है। इनमें 1 बार या 2 बार ही ले सकते हैं बस, छोटे चाय के चम्मच जिसे टीस्पून कहते हैं। इसके फ़ायदे अनेक हैं। एक तो कब्ज़ के लिए, एसिडिटी के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, 4 फायदे करता है। कोई रोग हो तो इन्फेक्शन के लिए फ़ायदा करता है।
इसका और बड़े फायदे ये हैं कि एक तो ये डायबिटीज नहीं होता होने देता, और हो तो उसको कंट्रोल करता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो चर्बी जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो ब्लड प्रेशर का दुश्मन है क्योंकि चर्बी का दुश्मन है। फिर किसी के ब्लॉकेज हो जाए तो उनको खोलता है, चर्बी जहाँ जहाँ होगी उसको साफ करता है। फिर दिमाग में हो चर्बी या हर जगह, जब हम हेल्दी हो जाते हैं ना जिस समय चर्बी चर्बी हो जाती है, और वो जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी है ना उससे सब उसके आसपास चर्बी हो जाती है, तो उनको अपना वर्क करने में बहुत परेशानी होती है, दिल को, हर चीज़ को, किडनी को, लीवर को, तो ये उस चर्बी को भी पिघलाता है। चर्बी पिघलाने के लिए इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, और हार्ट ब्लॉकेज के लिए भी मुफीद है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और ये उन चीज़ों के लिए जो दवाएं के नुकसानात को रोकने के लिए भी काम करता है। जी, लखीमपुर खीरी से हैं पुस्तक श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैम। हकीम साहब को भी नमस्ते, स्वागत है पुस्तक पुस्तक श्रीवास्तव। वो सारी दुआएं, मेरी वो सारी दुआएं आपके साथ में है सर, जो एक बहन अपने भाई के लिए करती है। बहुत धन्यवाद। देखिए बस ये दुआएं ही हमारा जखीरा है, खजाना है। आप जैसी बहनों की दुआएं हमारा खजाना है। कौन कहता है कि मामूली आदमी हूँ, इतनी बहनें जिसके साथ हों दुआओं में। बताइए क्या सवाल सर। हम लोगों का फायदा देख करके मेरा बेटा अमेरिका में है, उसने भी दवाएं मंगाना चाहा है। तो उसको 28 साल जब वो इंडिया में ही था, 28 साल की उम्र से उसको डायबिटीज है, वो दवाएं ले रहा है। अब उसको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और दवाएं तो वो ले ही रहा है, तो उसके लिए मतलब क्या क्या दवाई भेजी जाए साइड इफेक्ट से बचने के लिए, जो शुगर है उसके लिए कौन कौन सी दवाएं भेजी जाए, और मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और डायबिटीज के लिए तो गोंद जामुन मेरे हस्बैंड खा रहे हैं उसी को भेजेंगे, बाकी और दवाओं के नाम बता दीजिए क्या किया जाए, कैसे भेजा जाए, ये आप बता दीजिए सर। सही 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 सही, जरूर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुआओं के साथ जुड़ने का, और यही एक माँ होती है जो इंडिया में है लेकिन अमेरिका में बच्चा है, ऐसे तड़प, ये तड़प को ही तो माँ कहते हैं, और ऐसी अजीम और उच्च माँ की दुआ इस भाई के लिए भी है, तो इसी को तो रिश्ता कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मैं उस माँ से पैदा हूँ जिससे आप पैदा हुई, रिश्ता इसके अलावा भी होते हैं। बच्चे के लिए तो वही अलसी भून के ही भेज देना आप हल्का सा, और नमक जैतून एक चुटकी बच्चे को, और एक चम्मच अलसी रोज़ ज़रूर लिया करें, और गोंद जामुन तो आपके पति साहब को फ़ायदा है, वो ज़रूर भेजें, और जो भी बीमारी हो उसकी दवा भेज सकते हैं। नकली से बच्चे की सूरत, एक बार को ना भेजें तो चलेगा लेकिन नकली मत भेजें, उसमें एक तो फ़ायदा नहीं होता, पैसे ज़ाया होते हैं, फिर मेरा नाम भी ख़राब हो जाता है। कृपया हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे लिए ऐसे ही दुआएं करते रहें, बहुत धन्यवाद जी। हिमाचल से हैं कुलभूषण सैनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार सर। बैठ जी को जय हिंद। जय हिंद, स्वागत है भाई कुलभूषण जी। वो तो नहीं कुलभूषण, खरबंदा भी थे ना एक। सर मैंने आपसे काला गोंद मंगाया था आपके क्लिनिक से। उसको क्या मिक्सी में पीस सकते हैं? हाँ हाँ पीस सकते हैं, हल्का हल्का तोड़ ले मिक्सी में। हाँ हल्का हल्का तोड़ ले। और अलसी भी बताई थी आपने। जी 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 जी। अलसी का भी पाउडर बना के क्या कट्ठी मिक्स करनी है कि अलग अलग ही रखनी है? नहीं नहीं अलग अलग रख के अलसी को हल्का सा भून ले, हल्का सा ज्यादा नहीं, उसको पाउडर बना के रख ले, आधा चम्मच अलसी, आधा ग्राम गौंसिया, गौंसिया को थोड़ा तोड़ लेना हल्का हल्का, फिर मिक्सी में डालेंगे तो पाउडर हो जाता है, और ज़्यादा बारीक नहीं भी हो तो चलेगा। और आधा ग्राम ये गौंसिया, आधा चम्मच या एक चम्मच अलसी आपके पेट में एक बार या दो बार जानी चाहिए,
ये दुनिया का बहुत अच्छा नुस्खा है, रॉ मटेरियल है, असली है, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।